मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने बैठक की। इस बैठक में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने सुझाव रखे। सीओ ओम प्रकाश सिंह ने बैठक में कहा कि शहर में अमन शांति के साथ ताजिए को निकाला जाए और कोई भी गड़बड़ी ना हो। सीओ ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए छोटे छोटे ताजिए बनाए जाए। जो रूट पहले से ही बना हुआ है उसी रूट को फॉलो किया जाएगा और उसी रूट से ताजिए निकाले जाएंगे। ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मुहर्रम के दौरान कोई भी शहर में उत्पाद ना मचाए, जो भी उत्पाद मचाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस तारीख का मुहर्रम मनाया गया था, इस संबंध में आज थाना प्रभारियों की मीटिंग की थी, जिसमें ताजिएदार और मौलवी साहब और सम्रान व्यक्ति, अन्य धर्मों के सम्रान व्यक्ति को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, मीटिंग की गई, उनको ये बताया गया कोई नई परंपरा नहीं डालेंगे और जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते में जाएंगे और उसका ताजिएदार जो है हाइट कम रखेंगे, जिससे भी कोई दुर्घटना ना हो। बिजली विभाग को बुलाया गया, नगर पालिका को बुलाया गया, साफ सफाई करेंगे और उन्होंने जो सुझाव दिए उन पर अमल होगा और मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और मुहर्रम का त्यौहार सकुशल संपन्न करा दिया जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।